नमस्कार दोस्तों, तो कैसी है मेरी वाड़ी यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और सबसे पहले आप लोगों को प्यारी सी गुड मॉर्निंग। सुबह के अभी 7 बज रहे हैं, मैं जा रहा हूँ कसरे मार्केट को दूध पहुँचाने के लिए। और देखिए छाता ओढ़ के जा रहा हूँ, और सुबह से रात से बारिश हो रही है यहाँ पहाड़ों पर। पहाड़ों के मौसम का भी समझ में नहीं आ पा रहा है, बर्फ़ तो गिर नहीं पा रही है, बारिश कल ही से हुई है। कल भी कितना खतरनाक मौसम हो रखा था, मैंने दिन भर आपको दिखाया। अगर ब्लॉग नहीं दिखा तो आई बटन पे जरूर देखिए, काफ़ी अच्छा ब्लॉग है, जरूर आपको पसंद आएगा। तो ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, अपना दिन स्टार्ट करते हैं। मैं जाता हूँ कसले मार्केट और मौसम दिखाता हूँ आपको। कसले मार्केट पे भी बारिश हो रही है लगातार। चैनल में पहली बार विजिट किए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा हमारे ऐसे आने वाले लेटेस्ट ब्लॉग के लिए। तो चलिए मार्केट की तरफ चलते हैं, दूध पहुंचाते हैं और खूबसूरत नज़ारे दिखाता हूं सुबह के टाइम के। तो चलिए दोस्तों, ब्लॉग से आया हूं घर से, और ये हमारा रास्ता जो 15-20 मिनट लगता है पैदल जाने में। इस रास्ते से पुराना देखिए पहाड़ी रास्ता, एकदम खड़ंचे बोलते हैं इसको हम, एकदम पत्थरों का रास्ता होता था। पुराने रास्ते ऐसे ही होते थे पहाड़ों पर। अभी भी बहुत सी जगहों पर आपको ऐसे रास्ते मिल जाएंगे। और देखिए मौसम आज क्या कह रहा है, सुबह से बारिश हो रही है, ऊंची जगहों पर बर्फ़ पड़ी हुई है दोस्तों। ये देखिए बर्फ़ हल्की हल्की गिरने लगी है, क्या आपको दिख रही है, मस्त बर्फ़ गिरने लगी है। और सामने है ठकुर बाबा टॉप, पूरा कोहरे से अभी पैक है, और वहाँ पर भी बर्फ़ गिरी हुई है। यहाँ पर हल्का हल्की सी दिख रही है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए अगर ऊँचाई टॉप पर आपको हल्का नज़र आ रहा होगा तो बर्फ़, तो यहाँ गिरी है बर्फ़। और मौसम कुछ ऐसा बना हुआ है, अभी किसी किसी टाइम आ रही है हल्की बर्फ़। ये देखिए फाइनली दोस्तों मैं पहुंचने वाला हूं, और देखिए बर्फ़ शुरू हो चुकी है। आपको अगर महसूस हो रहा होगा तो देखिए, तो बर्फ़ शुरू हो चुकी है। मैं आपको खूबसूरत बर्फ़ का थोड़ा बर्फ़ गिर रही है, मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए मस्त मज़ा लग रहा है, तो बर्फ़ गिरने लगी है। मैं चलता हूँ कसले की तरफ, दूर पहुँचाना है, और मौसम काफ़ी ख़तरनाक बन गया है सुबह से। तो फाइनली रोड पर पहुँच चुका हूँ, और थोड़ा सा रह गया है यहाँ से, थोड़ा सा दूर है दूर की रह रही है। और देखिए सुबह से बर्फ़ पड़ रही है, ये देखिए किस मात्रा में बर्फ़ गिरने लगी है, एकदम तेज़ बर्फ़ गिर रही है। तरफ को काफ़ी तेज़ गति से बर्फ़ आ रही है, ये देखिए अगर आपको दिख रहा है, अगर महसूस हो रहा है तो, काफ़ी तेज़ गति से बर्फ़ गिर रही है। तो मैं पहुंच जाता हूँ कसले मार्केट पे। ये देखिए मज़ा आ गया आज मौसम देख के, क्या मस्त माहौल मिल गया आज दोस्तों। सुबह से ही मौसम बना हुआ है, रात को तो बर्फ़ गिरी नहीं है, ऊंची जगहों पर बर्फ़ गिरी है, और अभी देखिए सभी जगह बर्फ़ गिर रही है। तो दोस्तों फाइनली पहुंच चुका हूं डेयरी पे, और कुछ लोग यहां पर आए हुए हैं, और सामने देखिए बिल्कुल कोहरा छाया हुआ है और बर्फ़बारी लगातार जारी है अभी। ये देखिए कुछ लोग आए हैं दूध देने के लिए, यहाँ पर दूध तोल रहे हैं अपना। और मौसम देखिए मुक्तेश्वर घाटी की तरफ भी पूरा कोहरा छाया हुआ है, कुछ दिख पाना संभव है नहीं, और लगातार बर्फ़बारी जारी है। आज मौसम दिन भर शायद ऐसा ही रह सकता है। तो हम भी अपना दूध तोलते हैं, निकलेंगे फिर घर की तरफ। तो मैं निकलने लग गया हूँ घर की तरफ को, और माहौल काफ़ी सुनसानी वाला बना हुआ है कसले मार्केट में, और बर्फ़ लगातार पड़ रही है। अभी बर्फ़ टिक नहीं रही है क्योंकि हवा भी चल रही है, और बर्फ़ जिस समय में आ गया था मैंने आपको बर्फ़ दिखाई उसी समय से बर्फ़ गिर रही थी, लेकिन टिक नहीं रही। आप ये देखिए, तो निकलते हैं घर की तरफ को, और देखते हैं दिन भर आज क्या हो पाता है। मैं पहुँचने वाला हूँ घर पर, घर आ जाता है मेरा। और इस तरफ को अभी बर्फ़बारी हो नहीं रही है, कसलेट की तरफ से मैं आया उस तरफ को मैंने आपको दिखाया काफ़ी, उस तरफ को ज़्यादा बर्फ़बारी हो रही थी, खुला एरिया है। और सामने देखिए क्या मस्त खेत लग रहे हैं, गेहूं जो उगे हुए हैं, और ये जो नीचे जुताई करी हुई है, ये देखिए मस्त खेत लग रहे हैं। और इस तरफ को सामने में घने जंगल हैं, इस तरफ को हमारे घर की तरफ को आप देख सकते हैं, और सामने वही ठकुर बाबा टॉप और एडीथान देवता का मंदिर जो मैं कल गया था। अगर ब्लॉग नहीं दिखा तो आई बटन पर लिंक है, जरूर देखिए। तो काफ़ी घने जंगल हैं इस तरफ को भी, और रास्तों का हाल देखिए अभी, ये मेरे घर को जाने वाला पैदल रास्ता है जो अभी थोड़ा बहुत पानी भरने लगा है रास्तों में। और देखिए इस तरफ को अभी पूरा रुका हुआ है बारिश, बर्फ़ भी इस तरफ को नहीं आ रही है, कसले की तरफ को माहौल कुछ अलग बना हुआ था। तो दोस्तों 11 बजने वाले हैं, मैंने आप लोगों को दिखाया, अभी बारिश थोड़ी बंद हुई है,
और सामने का नज़ारा देखिए, एडीथान थकुड़ बाबा टॉप जहां हम कल गए हुए थे, ब्लॉग आपने शायद देखा होगा। ये देखिए यहां थोड़ी हल्की बर्फ़ गिरी है, मैं थोड़ा और जूम करता हूं। ये देखिए दोस्तों इस एरिया में थोड़ी बर्फ़ गिरी हुई है और बारिश रुकी हुई है, थोड़ा बहुत बर्फ़ धानाचुली एरिया पर गिरी हुई है और ऊंचाई वाले क्षेत्र में थोड़ा बहुत बर्फ़ गिरी हुई है। बाकी जहां हम रहते हैं वहां तो अभी बारिश ही हुई है, देखिए मस्त बारिश हो रखी है और गेहूं के लिए, खेतों के लिए, नीचे मटर बो रखी है, इन चीज़ों के लिए तो काफ़ी बढ़िया हो चुका है। सभी जगह इस तरफ को अभी बारिश हुई है और जो सामने आपको व्यू दिख रहा है बहुत दूर, ये है धानाचुली का व्यू। क्योंकि कोहरा है, धुंध है, उतना साफ तो दिखाई नहीं दे रहा है, फिर भी थोड़ा सा जूम करता हूँ। यहाँ भी बर्फ़ गिरी हुई है, ये देखिए अगर ऊंचाइयों पे आपको हल्की सी नज़र आए तो यहाँ पर पूरी बर्फ़ गिरी हुई है, धानाचुलियों के ऊंचे ऊंचे क्षेत्रों में बर्फ़ गिरी हुई है। और इधर ये थकुड़ बाबा रामगढ़ साइड को इस तरफ को बर्फ़ गिरी हुई है, इसके पीछे जस्ट रामगढ़ आता है, तो कुछ इस प्रकार का माहौल है। अभी 11 बजने वाले हैं और देखते हैं किस प्रकार अभी रहता है। तो दोस्तों अभी हो रहा है 11:30 बजे का समय और बारिश हल्की हल्की लगी चली हुई है अभी, और साथ में हम लोग कुछ ठंड में यहाँ पर बना रहे हैं कुछ आइटम्स, मैं आपको दिखाता हूँ। अमित भाई बना रहे हैं यहाँ पर पुए, ये है आटा, इसमें गुड़ का पानी हमने बना के इसको पतला घोल बना रखा है और उसको फिर तेल में यहाँ पर तल में, इसको पहाड़ी में बोला जाता है पुए। ये देखिए अभी देखना, और पास में ये देखिए सैंपल हमारे दो बन चुके हैं और छोटे छोटे हमने एक हटके से ये बना रखे हैं, और ये तो खाने में ही है, सुबह से बनाने में हेल्प कर नहीं रहा है, हरीश भाई को हो रहा है ठंडा ज़्यादा। अमित भाई लगा है मस्त पुए बनाने में, तो अभी दिखाऊंगा आपको जब थोड़े बहुत बन जाए। मैं आया हूँ अभी खेतों की तरफ को और मैं लेने के लिए आया हूँ और भाई आए हैं साथ में, नीचे देखिए। तो हम आए हैं अभी पालक लेने के लिए खेतों से, और पालक और गोभी की भी मस्त पकौड़ी बनाते हैं ऐसे ठंडे में, करें क्या, तो यही सब होता है ठंडे में। और दिन तो हमें भी टाइम नहीं मिल पाता है, आप लोग जानते हैं हम दिन भर बिजी रह जाते हैं। तो हो रहा है ठंडे का मौसम, काफ़ी बढ़िया ठंड पड़ रही है, साथ में बारिश भी हो रही है, घर ही पे हैं तो मस्त। थोड़े बहुत अमित भाई ने पुए बना लिए हैं, थोड़ी बहुत गोभी और मस्त पालक की पकौड़ी बनाते हैं और दिन को ऐसे ही इंजॉय करते हैं। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ खेतों पे और वहाँ पे है हमारी पालक, नीचे आपको पूरी ग्रीन दिख रही होगी, वहाँ पे भाई लोग पालक निकाल रहे हैं खेतों से। और ये देखिए ऑर्गेनिक धनिया मस्त लग रहा है अभी, और देखिए बारिशों ने क्या हाल कर रखा है, पूरी नमी बनी हुई है। तो चलते हैं पालक के पास, पालक लेके आते हैं और बनाएंगे मस्त पकौड़ी। ये देखिए पहुँच गया हूँ मैं, ये पूरी पालक ही बोई हुई है, तो चलते हैं वहाँ पर। और साथ में देखिए हरीश भाई और महेश लगे हुए हैं पालक निकालने में खेत से, मस्त पालक हम निकाल रहे हैं। साथ में महेश भाई लगा हुआ है और साथ में हरीश भाई लगा हुआ है। ठंड लग रहा है भाई, ठंड लग रहा है, लेकिन क्या करें ऐसे में इंजॉय किया जाता है दोस्तों, और समय तो हम भी काफ़ी बिजी रहते हैं। तो देखिए खेतों पर आया हुआ, मस्त माहौल बना हुआ है, मस्त बारिश हो रही है और अभी बारिश रुकी हुई है। पालक हमने खेतों से ले ली है, हम चलते हैं घर की तरफ। ये लोग काफ़ी तेज़ जा रहे हैं, इनको हो रहा है काफ़ी ठंडा, क्योंकि ठंडे के दिन हैं दोस्तों और बारिश हो रही है। चलते हैं। तो मैं बना रहा हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट, साथ में अभी मिर्ची की भी काटनी है मैंने, और गैस पे बन रहा है हमारा लंच, यहाँ पे बन रहा है चावल, और पहाड़ी अंगीठी में यहाँ पे बन रही है दाल, और हरीश भाई यहाँ पे पालक की कटिंग कर रहा है, इसके बाद गोभी की कटिंग करनी है, फिर बनाई जाएगी पकौड़ी मस्त पालक और गोभी। ये लगा है आज पकौड़ी बनाने में ना, 10-15 सेकंड में काम खत्म। उड़ाना मत चिड़ियों को, तो फाइनली शाम हो चुकी है पहाड़ों में। मैं सो चुका गया था दिन में लंच करके, और दिन भर बारिश ही हो रही थी, क्या करते बारिश में उठ के भी, तो सो गए थे। अभी उठ रहा हूँ तो 6 बज रहे हैं लगभग, और अभी भी बारिश चली हुई है, देखिए तो लगातार बारिश चली हुई है। ऊंची ऊंची चोटियों में जैसे रामगढ़ हो गया, दानाचुली हो गया, इन एरियाओं में थोड़ी बहुत बर्फ़ गिरी हुई है। तो ये था हमारा दिन भर का ब्लॉग, तो आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट में शेयर करिएगा। तो मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद।